जम्मू कश्मीर में 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन शुरू हुई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नौजवान दोस्तों से टीके लगवाने की दरखास्त की। उन्होंने कहा कि वबाई अमराज को रोकने में मदद के लिए वैक्सीन एक अहम जरिया है। जम्मू व कश्मीर भर में 15 से 18 साल की उम्र के तलबा के लिए वैक्सीन का इनाकाद किया गया। यहाँ ज़िले गांधरबल में भी हाई स्कूलों और हाई सेकेंडरी में वैक्सीनेशन का इनाकाद किया गया और महकमे तालीम ने महकमे सेहत के साथ मुकम्मल तआवुन किया है। मैं KMN के लिए गांधरबल से जुबैर तांत्रे। वैक्सीनेशन के बारे में, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली ऐलान किया था कि 3 तारीख से हम जो 15 to 18 एज ग्रुप उनका वैक्सीनेशन कर, आप क्योंकि जानते हैं कि कोविड कितने जोर पर है, पूरे हिंदुस्तान में आज कोविड फैला हुआ है, एक बार फिर थर्ड वेव है, तो गवर्नमेंट ने अब ये सिलसिला फिर शुरू किया जो 15 to 18 एज ग्रुप है उनके लिए स्पेशली एक ड्राइव है, ताकि उन बच्चों को जो 15 और 18 के दरमियान जो बच्चे आते हैं उनको वैक्सीनेशन किया जाए। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में भी एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने एक प्रोग्राम बनाया है कि हर स्कूल में वैक्सीनेशन शुरू होगा आज से। तो आज के लिए हमने 12th क्लास के बच्चों को बुलाया है जिनने अभी तक वैक्सीन नहीं किया है, इसी सिलसिले में ये एक कड़ी है ताकि हम कोविड को दूर रखें। बाकी जो SOPs ऑलरेडी आपको पता है, पिछले 2 सालों से ये हम आ रहे हैं ये जेल के कोविड, तो वो SOPs बराबर फॉलो करने, लेकिन अपनी हिफाजत के लिए ये वैक्सीनेशन कितना ज़रूरी है आप सभी बखूबी इससे वाकिफ हैं। तो आज के लिए हम 12th क्लास के बच्चों को करेंगे और आइंदा जो प्रोग्राम होगा जो नेक्स्ट क्लासेस है 9th, 10th, 11th और 12th 4 क्लासों का ये इस एज ग्रुप में आते हैं, तो उनका जो प्रोग्राम होगा वो हम आपके ग्रुप में डालेंगे, सभी आप ग्रुप में इंक्लूड है ना सभी, तो जिस दिन उनका प्रोग्राम होगा 9th का होगा 10th का होगा 11th या 12th का आ जाए, तो अकॉर्डिंगली उन बच्चों को उस दिन आना है, ठीक है, तो इसके लिए आप तैयार रहेंगे, ठीक है। वैक्सीन करना